हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट, जब बिजनेसमैन बिजनेस की एसेट को बेचता है तो उस केस में जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है। देखो, एसेट को बेचने के मेनली दो तरीके हो सकते हैं, इन कैश या ऑन क्रेडिट। इन कैश का मतलब क्या है, एसेट देंगे उसके बदले में कैश लेंगे। अगर कैश नहीं मिल रहा तो हम क्या ले सकते हैं, चेक भी ले सकते हैं या हम बैंक में पैसे भी ट्रांसफर करा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम एसेट को ऑन क्रेडिट बेच रहे हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे सामने वाले को बेच रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम एसेट को प्रॉफिट में बेच रहे हैं या हो सकता है हम एसेट को लॉस में बेच रहे हैं। इन पांचों केस में जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹40,000। इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या दे रखा है कि हमने मशीनरी बेची है ₹40,000 के। अब यहाँ पर ना तो कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही हमें बायर का नाम दे रखा है कि हमने किसको मशीनरी बेची है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल ये लिखा है कि हमने मशीनरी बेची है ₹40,000 की। तो हम ये मान लेंगे कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि सिंपल लिखा है कि हमने मशीनरी बेची है ₹40,000 की, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन है। अब ये ट्रांजेक्शन किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है, मशीनरी हमारे पास से जा रही है, मशीनरी कम हो रही है, ठीक है। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन से, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। अब ये दोनों जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, एसेट के अंदर आते हैं। और एसेट का रूल क्या कहता है, जब भी एसेट इंक्रीज होगी उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, टू लिखेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट। डेबिट के अमाउंट में भी 40,000 लिख देना और क्रेडिट के अमाउंट में भी 40,000 लिख देना। और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग मशीनरी सोल्ड, क्लियर है, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन से, इस एंट्री से आप क्या समझे, जब भी हम एसेट को इन कैश बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। जब भी आप एसेट को इन कैश बेचोगे तो क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, कैश का अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अब डेबिट क्या होना है वो तो पता लग गया, क्रेडिट क्या होगा, जो एसेट आपने बेची है वो एसेट आपके पास से डिक्रीज हो जाएगी तो उस एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैसे लिखेंगे, टू एसेट अकाउंट। अब एसेट कोई भी हो सकती है जो आपने बेची है, अगर आपने फर्नीचर बेचा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट। अगर हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एसेट को इन कैश बेचेंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और जो एसेट हम बेच रहे हैं उस एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्लियर एंट्री। अब अगर इस ट्रांजेक्शन में हमें ये दे रखा होता कि हमने मशीनरी बेची है उसके बदले में हमें चेक मिला है और हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, कौन कौन से अकाउंट्स इस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट होंगे, मशीनरी हमारे पास से जा रही है, मशीनरी कम हो रही है, ठीक है। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन में, हमारे पास चेक आ रहा है, चेक से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया है, ठीक है। अब ये दोनों जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी के अकाउंट है, एसेट में आते हैं। एसेट का रूल क्या कहता है, जो एसेट बढ़ रही है उसका अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। क्या डिफरेंस आया पिछली एंट्री और इस एंट्री में, यही फर्क आया ना कि यहां पर पहले हमने क्या लिखा था, कैश अकाउंट लिखा था क्योंकि पेमेंट हमें इन कैश मिल रही थी, अब हमें पैसा कैसे मिल रहा है, बैंक के थ्रू मिल रहा है, तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट। बाकी कम क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्लियर है। तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन को समअप करें तो क्या एंट्री बनेगी,
जब भी हमें पेमेंट इन चेक मिलेगी और हम चेक को सेम डे डिपॉजिट करा देंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जो एसेट हमने बेची है उस एसेट का अकाउंट हमें कम करना है, इसलिए उस एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, मशीनरी सोल्ड टू करिश्मा फोर रुपीज 40,000। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजेक्शन। देखो हमें क्या दे रखा है कि हमने मशीनरी बेची है करिश्मा को, बायर का नाम दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब भी आपको ट्रांजेक्शन में बायर का नाम दे रखा हो और कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट की। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है, हमने क्या किया है, मशीनरी बेची है, मशीनरी डिक्रीज हो गई है। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन में, क्या हमारे पास कैश आया, नहीं। क्या हमारे पास चेक आया, नहीं। बैंक में कोई पैसा बढ़ा है, नहीं। करिश्मा ने अभी हमारा पैसा देना है, करिश्मा एक तरह से क्या बन गई है, डेटर बन गई है मशीनरी के लिए, उसने हमारा पैसा देना है, तो क्या हुआ, एसेट इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ये दोनों अकाउंट्स किस में आ रहे हैं, एसेट में। करिश्मा हमारी क्या बन गई है, एक तरह से एसेट बन गई है, उसने हमारा पैसा देना है। तो एसेट का रूल क्या कहता है, जब एसेट बढ़ती है उस एसेट का अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट। तो करिश्मा का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जब एसेट डिक्रीज होती है उस एसेट का अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मशीनरी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, क्या होना है, डेबिट करिश्मा का अकाउंट, क्योंकि करिश्मा एक इंसान है तो उसके नाम के आगे हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सीधा डेबिट लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट, गैप देंगे टू लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है, अमाउंट लिख देना डेबिट क्रेडिट में 40,000। अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को सम अप करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि जब भी हम एसेट को उधार में बेचते हैं तो जिसको हम उधार में बेच रहे हैं उस पार्टी का नाम क्या होगा, डेबिट। ठीक है, और जो एसेट हम बेच रहे हैं वो एसेट डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू एसेट अकाउंट। क्लियर है कि जब भी हम एसेट को उधार पे बेचेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, उस पार्टी का नाम होगा डेबिट, और जो एसेट कम हो रही है उस एसेट का अकाउंट होगा क्रेडिट। क्लियर है। अभी तक हमने एसेट को बेचने से रिलेटेड बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन करी थी, अब हम सीखेंगे कि जब हम एसेट को प्रॉफिट में बेचते हैं या लॉस में बेचते हैं तो उस केस में जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। इस केस में आपको ट्रांजेक्शंस में बुक वैल्यू भी दे रखी होगी एसेट की, कि एसेट की कितनी वैल्यू है, कितना कॉस्ट पड़ा है उस एसेट का बिजनेस को, और सेलिंग प्राइस क्या है उस एसेट का, हमने उस एसेट को कितने में बेचा है। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मशीनरी सोल्ड टू करिश्मा फोर रुपीज 40,000, और उस मशीनरी की वैल्यू हमें दे रखी है 50,000 रुपीज, या तो आपको वर्ड लिखा आएगा कॉस्टिंग या बुक वैल्यू। अब सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के हमें यह पता लगाना है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ बायर का नाम दे रखा है, कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। क्लियर है पहली बात। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में हमें यह दे रखा है कि जो हमने मशीनरी बेची है उसकी वैल्यू बुक्स में 50,000 रुपीज है। ठीक है, और हमने उस मशीनरी को कितने में बेचा है, 40,000 रुपीज में बेचा है। मशीनरी की वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी है, 50,000, बेचा कितने का है, 40,000, तो लॉस हो गया बिजनेस को। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, मशीनरी हमारे पास से जा रही है, मशीनरी कम हो रही है, कितनी अमाउंट की मशीनरी कम हो रही है, 50,000 रुपीज की। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन में, करिश्मा ने हमारा पैसा देना है, वो एक तरह से क्या बन गई है, डेटर। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रही है। अब करिश्मा ने कितना पैसा देना है, 40,000 रुपीज। ठीक है,
अब मशीनरी थी 50,000 रुपीज़ की, बेची हमने 40,000 में है, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है? 10,000 का। अब इस लॉस को शो करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट यूज करते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे लिखना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले रूल अप्लाई करते हैं। मशीनरी और करिश्मा ये दोनों क्या है? एसेट के अकाउंट है। एसेट का रूल क्या कहता है? जो एसेट बढ़ रही है उसका अकाउंट क्या कर दो? डेबिट। तो करिश्मा क्या होगी? डेबिट। मशीनरी क्या होगी? क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी कम हो रही है। लॉस का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। लॉस को आप एक तरह से एक्सपेंस से रिलेट कर लो, तो जब भी लॉस बढ़ेगा एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। अब इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं? करिश्मा का अकाउंट डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? करिश्मा। करिश्मा के नाम के साथ हम अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि करिश्मा क्या है? एक पर्सन है। करिश्मा का अकाउंट कितने से डेबिट करना है हमने? 40,000 से। करिश्मा ने कितने पैसे देने हैं? 40,000 रुपीज। ठीक है, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें क्या हो रहा है? इस मशीनरी को बेचने से लॉस हो रहा है, और लॉस का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे हम, डेबिट। कितना लॉस हो रहा है? 10,000 रुपीज। अब डेबिट वाला हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट क्या होना है? मशीनरी, क्योंकि मशीनरी कम हो रही है। तो कैसे लिखेंगे? गैप देंगे टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है? कितने से मशीनरी को हमने क्रेडिट करना है? कितनी मशीन कम हो रही है? हमारे पास से कितने की मशीन गई? 50,000। अब देखो, हर ट्रांजैक्शन की जो डेबिट की अमाउंट है और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। देखो, डेबिट की अमाउंट भी क्या है? 50,000, और क्रेडिट की अमाउंट भी क्या है? 50,000। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। फर्नीचर सोल्ड फोर रुपीज 50,000, बुक वैल्यू रुपीज 40,000। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन पढ़ के हमें क्या पता लगाना है? ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? यहाँ पर हमें सिर्फ ये दे रखा है कि हमने फर्नीचर को बेचा है, ना तो हमें बायर का नाम दे रखा है, ना ही दे रखा है कि हमने क्रेडिट पे बेचा है। तो हम ये क्या मान लेंगे कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? अब ये ट्रांजेक्शन किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है? हमने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। हमारी बुक्स में वो फर्नीचर कितनी वैल्यू का था? 40,000 रुपीज का था। हमारे पास कितनी वैल्यू का फर्नीचर गया है? 40,000 का। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट को हमें कम करना है कितनी अमाउंट से? 40,000 से। जो 40,000 वाला फर्नीचर था वो हमने कितने में बेचा है? 50,000 रुपीज में। तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 10,000 रुपीज का। क्लियर है? और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन में? फर्नीचर बेचा है, उसके बदले में हमें क्या मिला है? कैश मिला है। कितना पैसा दिया सामने वाले ने हमें? 50,000। तो कैश अकाउंट इंक्रीज होगा कितने से? 50,000 से। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा वो देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट की कैटेगरी में आते हैं। और एसेट का रूल क्या कहता है? जो एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसका अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। जो एसेट डिक्रीज हो रही है उसका अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? जब भी हमें गेन होगा, इनकम इंक्रीज होगी, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। क्लियर है? अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट लिखेंगे सबसे पहले हम, कितनी अमाउंट से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश कितना आ रहा है? 50,000 रुपीज। क्लियर? और कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है? नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट के अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर अकाउंट भी हमें क्रेडिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट करना है। तो हम क्या करेंगे? गैप छोड़ेंगे, टू लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट।
क्योंकि फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। कितनी अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है? 40,000। ठीक है, अब और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें फर्नीचर को बेचने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट गेन जो होते हैं, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होगा, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट साइड पे। कौन से अकाउंट का यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कितने से क्रेडिट होगा? 10,000 से। ठीक है, अब समझो कि हम एसेट को जब प्रॉफिट में बेचते हैं या एसेट को हम जब लॉस में बेच रहे हैं, तो उस केस में जो होने वाला प्रॉफिट है या लॉस है उसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है, वो कैपिटल नेचर वाला प्रॉफिट और लॉस है, कभी कभार होने वाली ट्रांजेक्शन है। ठीक है, रेगुलर नेचर वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि हम एसेट्स को डेली बेसिस पे नहीं बेचते हैं। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैपिटल नेचर वाली ट्रांजेक्शन है। जब हम एसेट को प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, इसलिए हम इसे सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।